हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने गियर्स के बारे में, ये हमारी रिंग हो गई 4x4 की, जो कि 77 दांती की होती है। इसके आगे बढ़ने तो हम अपनी रिंग के बारे में बात करें, एंडलेस रिंग हमारी बैको के लिए, ये आप देख सकते हैं 66 दांती की। इसके आगे बढ़ेंगे हम तो हमारा क्राउन पिनियन 13-38, 13-33, 11-37, 15-35, 15-37 सभी अवेलेबल होते हैं। इसके आगे बढ़े हम कैरियर प्लेट 66 दांते, जो कि इसके लिए यूज़ होती है, इसके साथ में यूज़ होती है हमारी ये अपनी कैरियर प्लेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, कैरियर प्लेट एंसरिंग के साथ में असेंबल होती है। इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको बता दूं मैं, मास्टर सिलेंडर 3 होल 2 होल। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास में बैरिंग्स, प्लेनेटरी गियर बैरिंग, ये इसके अंदर टेस्टिंग कोड होता है। ये टेस्टिंग कोड ओरिजिनलिटी की, OEM की पहचान होती है। अगर ये किसी भी पार्ट्स के साथ नहीं है, इट मीन्स कि वो जेन्युइन पार्ट्स नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ कि अगर ये टेस्ट कोड नहीं है तो वो पार्ट्स जेन्युइन नहीं है। और ये मेरा टेस्ट कोड हर एक पार्ट पर होता है, एवरीवन, हर एक पार्ट पर, प्रत्येक पार्ट पर होता है मेरा प्लैनेट गियर। जैसे मैं प्लैनेट गियर के बारे में आपको बता रहा था, टेस्ट कोड के बारे में मैंने आपको बताया कि टेस्ट कोड नहीं है तो पार्ट जेन्युइन नहीं है, और ये टेस्ट कोड मेरा हर एक पार्ट पर होता है। सन गियर के अंदर फीड मार्क होती है, जैसा कि आप जानते हैं एक फीड मार्क होता है, एक होबिंग होती है, गियर शेपर CNC होबिंग। इसके आगे क्रॉस, ये 20 mm में है, चैनल क्रॉस MGPL, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ तक जानता हूँ आप सभी जानते हैं, माइलस्टोन गियर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके आगे बढ़े हमारी स्टार किट, इसको हम दो तीन नाम देते हैं, डिफरेंशियल गियर सेट, स्टार किट विद पिन विद वाशर। इसके अंदर वाशर होता है मेरा 1 mm का होता है अपना वाशर। मार्केट में बहुत वाशर मिलेंगे आपको, 0.8 का, 0.7 का, 0.8 का, 0.9 का भी मिल जाता है। इसके आगे बढ़े तो मैं आपको बुश दिखाऊँ, ब्रॉन्ज में बुश, ये KPC का बुश है अपना। इसके आगे ये भी अपना KPC का बूश है, 10211। इसके आगे ये बूम बूश 364 का। इसके अंदर भी हमारा टेस्ट कोड होता है, जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टेस्ट कोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप पहचान कर सकते हो पार्ट जेन्युइन है या नहीं है। इसके आगे बढ़ें तो हमारा प्लैनेटरी हब, ये 10 होल में है, एक 5 होल में भी होता है, 1-2-10 एंड 1-2-5। दोस्त, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, आप सभी जानते हो, इस फील्ड में हो आप, गियर्स लगते हैं, यहाँ अपना ड्रिल लगता है, ड्रेन प्लग, इसके अंदर हम रियर हब टिकली लगाते हैं, और आगे आप सब इस असेंबली के बारे में अच्छे से जानते हो। तो ये मैंने आपको कुछ गियर आइटम्स दिखाए हैं, रेंज बहुत सारी होती है, सारी आपके सामने मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी रेंज आपको दिखाने के लिए आज ही वीडियो बनाई है।